कई हफ्ते से मुसलसल यहाँ पे वक्फे वक्फे से जो मूनसून का सिलसिला जारी है उसकी वजह से ये सारा मुतासिर है, और इस वक्त ये मुतासिर है वाटर बोर्ड के अमले की ना अहली की वजह से, वाटर बोर्ड की गफलत की वजह से। ये देख सकते हैं ये जोड़ बना हुआ है, इसका मतलब ये काफ़ी पुराना यहाँ पे इशू है। दो हफ्ते से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी तक आपने कराची में गरज चमक के साथ बारिश नहीं देखी होगी, लिहाजा मज़ीद तेज़ बारिश और गरज चमक के साथ बारिश मतवक है। तो ये सड़क जो कि बारिश के पानी, सैलाबी रेलों और गटर नाले की वजह से डूब जाता है, कराची की सबसे बड़ी शाहरा है ये, और यहाँ से दो हफ्ते से तकरीबन मानसून की वजह से यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल था। और इस वक्त देख सकते हैं आप कि नागर चौंगी का जो ग्रीन बेल्ट है, राइट साइड पे ये ट्रैक है ग्रीन लाइन का, और यहाँ पे लाइन डैमेज हो चुका है, वाटर बोर्ड का जो लाइन है जिससे पानी इलाके में सप्लाई किया जाता है, तो इसके वजह से यहाँ पे बड़ी मकदार में पानी ज़ाया हो रहा है, और ये पानी नागर चौंगी की शाहरा को मुतासिर कर रहा है। ये शाहरा वैसे टूट फूट का शिकार है, मुसलसल जो बारिशें हो रही हैं दो हफ्ते से, तो उसकी वजह से यहाँ पे सैलाबी सूरतहाल का सामना था। अक्सर व बेशतर यहाँ पे पानी का अखराज रहता है, और इसके वजह से ये शाहरा मुकम्मल तौर पे मुतासिर होता है, जो कि कराची की सबसे बड़ी शाहरा है जहाँ से लाखों लोगों की गुजर है। और ये स्टेशन है नागर चौंगी वाला ग्रीन लाइन का स्टेशन, यहाँ से पानी काफ़ी शॉर्टेज हो रहा होगा, यकीनी तौर पे बड़ी मकदार में पानी यहाँ से ज़ाया हो रहा है जिस पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। और ये मैटर कोई नया नहीं है, काफ़ी पुराना मसला है।